हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं नया अपना कोई टॉपिक बना के ले गया। इस बार का जो मेरा टॉपिक है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है वो रोड एक्सीडेंट होता है। तो रोड एक्सीडेंट को हमको प्रिवेंट करना है तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, दो गाड़ियों के बीच की डिस्टेंस कितने स्पीड पे कितना डिस्टेंस होता है। वो मैं आज टॉपिक आपको बताने वाला हूँ कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो दो गाड़ियों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कितने स्पीड पे कितना डिस्टेंस होना चाहिए। सपोज दैट ये गाड़ी ए है, ठीक है, दूसरी गाड़ी हमारा बी है। अगर हमारा इसका 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन का जो एक फॉर्मूला है वो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है। तो अगर 50 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसको हमको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा मीटर में आ गया। अगर हमारा ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद हमको क्या करना है कि जो घंटा है एक आवर को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम एक वन आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 3600 सेकंड आता है। 3600 इसको हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे कि 3600 तो जितना आएगा, ठीक है, जितना आएगा अप्रोक्स जितना आ रहा है उसको मान लीजिए, अप्रोक्स मैं मान के चल रहा हूं कि ये कटने के बाद हमारा 1515 के करीब आएगा, अप्रोक्स 15 के करीब आएगा। अगर 15 आ रहा है तो हमको क्या करना है, 50 into 2 दैट मीन्स 30। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर का होना चाहिए एटलीस्ट। ये इन दोनों के बीच की दूरी ये 30 मीटर सेफेस्ट माना जाता है। ये कैलकुलेशन है दो गाड़ियों के बीच की दूरी हमें डिसाइड करने के लिए। अगर हम गाड़ी ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम इम्प्लीमेंट करके गाड़ियों की सेफ डिस्टेंस हम मेंशन करते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।